गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज का डिस्कशन प्योरली नेट। ओके, तो उससे पहले ब्रीफली कल क्या क्या डिस्कस किया? अश्योर, अकाउंट क्रिएशन, राइट? ओ या ओके, एंड सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद एज्योर रीजियंस, रीजन्स ओके, एंड एज्योर अवेलेबिलिटी जोन्स, उसके बारे में डिस्कस किया, राइट? ये सारे चीजें कल हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया, राइट? प्रैक्टिकली उसमें से कुछ कर नहीं सकते। सब्सक्रिप्शन वन टाइम, अकाउंट वन टाइम, राइट? एंड ये दोनों मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट? सो इफ आई वांट टू डू समथिंग इन एज्योर, एज आई सेड, इफ यू लुक एट द एज्योर इन द इंफ्रा पर्सपेक्टिव, अगर आप इंफ्रा पर्सपेक्टिव से एज्योर को देख रहे हो, राइट? 104 या 301, 300, 303, 304, व्हाट एवर द कोर्स कोड, ठीक है? सो नेटवर्किंग इज द की, एग्री? सो इफ आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विथ नेटवर्क, मुझे इससे पहले कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। वन इज रिसोर्स ग्रुप। ये होता क्या है रिसोर्स ग्रुप? मीन्स यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो है रिसोर्स ग्रुप, एग्री? सेकंड है रिसोर्स ग्रुप क्या है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज दिस रिसोर्स ग्रुप? संदीप, शेखर, एनीवन, यस, व्हाट रिसोर्स इज ग्रुप दिस रिसोर्स? रिसोर्स ग्रुप एक्चुअली दे डिसाइड्स मीन्स अबाउट द सब्सक्रिप्शन बिलिंग ऑल द इट इज अ कंटेनर रिसोर्स ग्रुप इट इज अ कंटेनर ओके, ओके ओके, गो अहेड गो अहेड गो अहेड, ठीक है। सो एक चीज डिस्कस करते हैं। मेरा पोर्टल है, ठीक है? सो पोर्टल में मैंने एक अकाउंट लॉग इन किया, विच इज माय डायरेक्टरी आईडी, बराबर? पोर्टल में लॉग इन किया के साथ, इसका एक डायरेक्टरी आईडी है, देखो नीचे डायरेक्टरी सो ऑन सो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 6025 लास्ट में, बराबर? E4DC D604 6025, वो मेरा डायरेक्टरी आईडी है। ये पूरा पोर्टल के अंदर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक सब्सक्रिप्शन लिया, राइट? ये सब्सक्रिप्शन किस कैसे आइडेंटिफाई करेगा? सब्सक्रिप्शन डायरेक्टरी आईडी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन क्या करेगा, ये सब्सक्रिप्शन ये डिसाइड करेगा क्या बिलिंग मेथड है, और कौन सी क्रेडिट कार्ड, और कौन सा करेंसी, और क्या पान नंबर है अगर टैक्स कैलकुलेट करनी है। ये सारे चीजें सब्सक्रिप्शन के अंदर रहेगा, एग्री? INR, इफ यू गो टू सब्सक्रिप्शन, उसमें करेंसी भी लिखा हुआ रहता है। गो टू सब्सक्रिप्शन, टाइप ऑफ अकाउंट, एंड कुछ ऑफर है, उसमें ऑफर आईडी ऐड होगा, और उसके ऑफर आईडी का कुछ डिस्काउंट वगैरह इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर कोई ऑफर है तो ओके, एंड बिलिंग पीरियड किसके अंडर? डायरेक्टरी आईडी मेरा, मतलब ये मेरा पेरेंट अकाउंट है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन है, और उसका करेंसी, इतना ही डिटेल्स ये पता रहता है इसको, सब्सक्रिप्शन को। नाउ ये सब को डिटेल्स बताने वाले कौन है, मतलब अगर एक बार पोर्टल में लॉग इन किया, ये याद रखो
अप्लाई कर सकते हो या इस कॉर्नर पे ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वर, एनीथिंग, कोई भी कंपोनेंट आप डिप्लॉय कर सकते हो, यूएस ऑस्ट्रेलिया, ओके, बीच में यूके, वॉट एवर इज द रीजन, सॉरी रीजन। तो यहाँ पे जो बिलिंग बाय डिफॉल्ट करेंसी है, यहाँ का बिलिंग का डिफॉल्ट करेंसी है डॉलर, यहाँ का पाउंड एंड इसका भी कुछ डॉलर्स, बट योर सब्सक्रिप्शन इज इन INR बॉस, राइट? नाउ हु विल ट्रैक ऑल थिंग्स एंड इन्फॉर्म टू सब्सक्रिप्शन, मतलब कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन से क्या बोलते हैं, रिसोर्स डिप्लॉय कर रहा है या कंपोनेंट डिप्लॉय कर रहा है एज्योर में, और उसका ड्यूरेशन क्या है। लेट्स से यूएस में वन ऑफ माय एम्प्लॉय लॉग्ड इन, बिकॉज इफ आई एम द प्रीमियम, आई एम द प्रीमियम अकाउंट होल्डर, आई हैव अ फुल परमिशन ओवर हियर, आई कैन क्रिएट 10 यूजर्स फॉर माई 10 डिफरेंट टीम पीपल, ओके? उसमें से एक बंदा लॉग इन किया और इस पे यूएस में क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया। बाय डिफॉल्ट कुछ डेटाबेसेस जो है पर सेकंड बिलिंग है, पर सेकंड बिलिंग भी है डेटाबेस में, वो इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका डिप्लॉयमेंट 22 जुलाई को हुआ है, सुबह 9 बजे, एंड 9:50 पे डिलीट भी कर दिया। मतलब कैलकुलेशन जो है चाहिए, राइट? और ये 5 मिनट का बिल ये सब्सक्रिप्शन में ऐड करना चाहिए, मतलब इसको बताने वाला कौन है, यहाँ पे इसने ये किया, वहां पे उसने वो डिप्लॉय किया, किसी और ने किसी और लोकेशन पे ये डिप्लॉय किया। अब कोई भी कहां पे भी कुछ भी डिप्लॉय करो, एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड बाय रिसोर्स ग्रुप। अगर इसका रिप्लेसमेंट कंपोनेंट या थोड़ा समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वी सेंटर पे लॉग इन करोगे, VMware ट्रेडिशनल वी सेंटर में, उसमें एक ये रहता है डेटा, पता है कभी सुना है या किसी को है एक्सपीरियंस VMware वी सेंटर का? शेखर, यू हैव एक्सपीरियंस राइट इन VMware? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी ये भी क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रहा है, यहाँ समवेयर ऑन द टॉप एक डेटा सेंटर का, ये स्टैंड अलोन ES6 है, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये भी स्टैंड अलोन है, ठीक है? दीजिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक डेटा सेंटर करके लिखा हुआ रहता है, वो क्या करेगा, डेटा सेंटर लॉजिकल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स माने क्या है, योर होस्ट, योर वर्चुअल मशीन्स, योर नेटवर्क्स, योर स्टोरेज, योर थर्ड पार्टी अप्लायंसेस और APIs और वॉट एवर दे थिंग वॉट यू आर मैनेजिंग थ्रू वी सेंटर, इट विल रिमेम्बर एवरीथिंग एंड इट विल पिक एंड सेव एवरीथिंग इन टू बैक एंड पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेटा सेंटर इन साइड द वी सेंटर। सिमिलरली ये रिसोर्स ग्रुप क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है, यू विल क्रिएट इट एट फर्स्ट स्टेज, मतलब ये सब रेडी है, उसके बाद पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है? ये रिसोर्स ग्रुप क्या करेगा, अब कुछ भी डिप्लॉय करो, कहीं पे भी डिप्लॉय करो, इट विल कीप ट्रैकिंग एवरीथिंग एंड हैंड ओवर टू सब्सक्रिप्शन, क्लियर? मतलब अभी मैं लॉग इन करके 50 डिफरेंट कंपोनेंट्स डिप्लॉय किया, 2 घंटे के बाद डिलीट कर दिया। सो वो 50 चीजें क्या है, कौन डिप्लॉय किया और कब से कब तक यूज किया और कौन सी रीजियन में डिप्लॉय किया, उसका अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड होता है। मतलब मुझे एक सर्वर चाहिए 2 GB RAM एंड 1 CPU, एकदम छोटा सा, ठीक है? इसका जो प्राइस है समवेयर अराउंड 508 रुपीस, कहाँ पे, US में। अगर सेम साइज ऑफ मशीन UK में डिप्लॉय करेंगे 508 रुपीस, सेम सर्वर ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय करेंगे 602 रुपीस, सेम सर्वर इंडिया में डिप्लॉय करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन मे बी 502 रुपीस, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है?
बट ये रिसोर्स ग्रुप क्या करेगा, कौन सी कंपोनेंट कहाँ पे डिप किया, उसका करस्पॉन्डेंट प्राइस कितना है, कितने देर तक यूज किया, वो सारे चीजें सब्सक्रिप्शन को हैंड ओवर करने का काम रिसोर्स ग्रुप करेगा। इसके अलावा और एक काम भी करता है, कोई बता सकते हैं? रिसोर्स ग्रुप और एक काम भी करता है, एनीवन? आशीष बोलो बोलो। हाँ, रिसोर्स ग्रुप में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल सेम होती है। जैसे हमें अगर रिमूव करना है नहीं, वन गो में। वन गो में रिमूव करना है तो पूरा रिसोर्सेस सब उड़ जाएंगे। अगर रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दिया, देर इज नो वे टू अनडू, अनडू का फंडा ही नहीं है यहाँ पे। मतलब और ये सेम सेम चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसी और बैच में, एंड दैट गाय इज सेइंग ये तो डिजाइन फ्लॉ है, अगर एक क्लिक में सब डिलीट हो गया तो क्या मतलब है रखने का। बोला भाई ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, इसका फंक्शनैलिटी ऐसे ही डिफाइन किया है, अगर इफ आई वांट टू डिलीट इट, इट विल क्लियरली सेज ऑल द रिसोर्सेस अंडर दिस रिसोर्स ग्रुप विल बी डिलीटेड अलोंग विद द रिसोर्स ग्रुप, राइट? यस वो कोई डिजाइन फ्लॉ नहीं है, इट इज डिजाइन इन सच ए वे टू कंट्रोल द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? और भी कुछ करता है, मुझे वो जानना रिसोर्स है मुझे। ग्रुप में नेटवर्क वॉचर जो होता है ना, वो पूरा मॉनिटर करने के लिए भी ये काम करता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना, मतलब एग्जैक्टली एक मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नहीं, नेटवर्क वॉचर जो कंपोनेंट है वो अलग है, दैट इज पार्ट ऑफ द रिसोर्स ग्रुप, बट रिसोर्स ग्रुप नहीं है वो, समझ रहे हो? रिसोर्स ग्रुप का काम अलग, नेटवर्क वॉचर का काम अलग। नेटवर्क वॉचर इज प्योरली यूज टू कीप ऑन ट्रैकिंग योर नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स, और उसका जो भी तो डे टू डे ऑपरेशन पे क्या करना चाहते हो, लॉग्स वगैरह वो सारे चीजें नेटवर्क वॉचर देखते रहेगा, ओके? बट रिसोर्स ग्रुप क्या करेगा एग्जैक्टली, ये सब चीजें तो मॉनिटर करेगा, वो पहली बात। दूसरी बात ये है, पोर्टल के बिना बहुत सारे ऑप्शन है हमें एज्योर मैनेज करने के लिए, बता सकते हो कोई? पोर्टल तो एक ही है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है मैनेज करने के लिए एज्योर रिसोर्सेस को। वन इज योर पावर शेल, अगर किसी को स्क्रिप्टिंग करना आता है, राइट, दे विल सिंपली एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट जस्ट टू बिल्ड द नेटवर्क, जस्ट टू बिल्ड द सर्वर, और जस्ट टू डिप्लॉय द वेबसाइट और स्टोरेज अकाउंट, कोई भी चीज है, बट एवरीथिंग दे विल ट्राई टू ऑटोमेट विथ पावर शेल। किसी को बैश शेल आता है अच्छे से, लिनक्स एक्सपर्ट्स, अगर जिसको बैश शेल आता है, दे आर कीन टू लर्न मोर अबाउट बैश स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट्स यूजिंग बैश स्क्रिप्टिंग। मुझे तो दोनों नहीं आते, तो Azure ने क्या किया, जिसको अनपढ़ लोग है मेरे जैसे उनके लिए Azure CLI करके कस्टमाइज्ड कमांड लाइंस लेके आया, मतलब सिंपल कमांड लाइंस है, यूजर फ्रेंडली, ओके, लिखना भी आसान, समझने भी आसान। तो वैसे CLI भी है, वो भी यूज करके आप डिप्लॉय कर सकते हो Azure में कोई भी चीज है, ठीक? और एक है, एनीथिंग एल्स गाइस, कम ऑन, इसके अलावा योर जेसन स्क्रिप्ट, राइट, आर्म टेम्पलेट्स, राइट, एंड क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, कोई भी चीजें आप सुनते होंगे, एमएल स्क्रिप्ट्स, इसके अलावा थर्ड पार्टी टूल्स भी है, टेराफॉर्म्स, राइट, एंड सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी है, पैकर, राइट, एंड सम थर्ड पार्टी खुद का भी टूल्स है, डेवऑप्स पोर्टल के थ्रू भी आप डायरेक्टली एज्योर में रिसोर्सेस बना सकते हो, ठीक? आप कैसे भी कर लो, रिक्वेस्ट आना इसी के पास, मतलब पोर्टल के अलावा कोई भी टूल के साथ या कोई भी कंप्लेन के साथ आप डिप्लॉय कर रहे हो,
वो भी रिसोर्स ग्रुप के अंडर ही आएगा, मतलब उसका जिम्मेदारी भी रिसोर्स ग्रुप ही लेगा। हाँ, इस यूजर ने पावर शेल के थ्रू कनेक्ट किया, कब? सुबह 9:30 बजे, और एक सर्वर बनाया 10 बजे, और 10:30 बजे डिलीट किया। वो भी इसको याद रखना पड़ेगा रिसोर्स ग्रुप को, और ये रिसोर्स ग्रुप वो भी याद रखे किसको बताएगा, वापस सब्सक्रिप्शन को बताएगा। मतलब ये विद इन द पोर्टल आप क्या कर रहे हो, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी टूल के साथ तुम क्या कर रहे हो एज्योर पोर्टल के अंदर, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द कीज, एकदम हाई लेवल द कीज यू शुड हैव प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन टू यूज एनी CLI और GUI। मतलब यहाँ पे डिप्लॉय करना है या इसके अंदर डिप्लॉय करना है, पोर्टल के अंदर कहीं पे भी कुछ भी करना है, आपके तो पहले तो एक्सेस होना तो चाहिए, यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड या सीक्रेट की, एक्सेस की, और यू कॉल इट एज, और एक भी है आपको बताइए, सर्विस प्रिंसिपल करके और एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हो सकता है इंटीग्रेशन। मतलब सर्विस प्रिंसिपल मतलब क्या है, आप एक डेटाबेस चला रहे हो और एक जावा एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन वांट टू कनेक्ट डेटाबेस एंड रन सम क्वेरी, एग्जीक्यूट सम क्वेरी एंड फेच द डेटा। तो उसके लिए डेटाबेस में तो एक्सेस होना जरूरी है जावा एप्लीकेशन को। सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट ODBC या JDBC कनेक्शन, मोस्टली जावा में JDBC कनेक्शन। उसके साथ साथ डेटाबेस के ऊपर एक यूजर नेम और पासवर्ड आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके वो एप्लीकेशन कनेक्ट कर पाएगा, राइट? सो इफ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अकाउंट टू ऑथेंटिकेट योर डेटाबेस यूजिंग सम थर्ड पार्टी, व्हेन यू आर यूजिंग सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप क्या करोगे, एक छोटा सा सर्विस अकाउंट बनाओगे, लोकल अकाउंट या AD अकाउंट या DB लेवल अकाउंट, कोई भी अकाउंट, एक यूजर अकाउंट तो चाहिए, दैट यू कॉल इट एज सर्विस अकाउंट। उसका पासवर्ड कभी एक्सपायरी नहीं होता है, उसका पासवर्ड सबके पास शेयर किया जाता है बट कोई यूज नहीं करता, मतलब अगर कुछ ट्रबल शूट करना है तभी यूज करेंगे, तब तक आपका जनरल अकाउंट यूज करके ही लॉग इन करेंगे, समझ रहे हो? सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट हैज बीन रिप्लेस्ड इन एज्योर विथ सर्विस प्रिंसिपल। सर्विस प्रिंसिपल मतलब आप ये याद रखो, एप्लीकेशन कोई भी सर्वर कोई भी सर्विस एज्योर के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है एंड प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, देन यू विल यूज सर्विस प्रिंसिपल। वो बाद में देखते हैं कभी, जब हम लोग ये थर्ड पार्टी टूल करके डिप्लॉय करते वक्त, राइट? फिलहाल ये याद रखो, रिसोर्स ग्रुप ये सबका जिम्मेदारी लेगा, क्लियर? सो हाउ टू क्रिएट, गो टू रिसोर्स ग्रुप, एड रिसोर्स ग्रुप, ठीक है? रिसोर्स ग्रुप वन कहाँ पे बना रहे हो, रिसोर्स ग्रुप बोले तो ये रिसोर्स ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट शेयर द सेम लाइफ साइकिल परमिशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है? वो लाइफ साइकिल क्या है वो बाद में देखते हैं, परमिशंस कैसे चलाना है वो बाद में देखते हैं, और क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई करेंगे वो भी बाद में देखते हैं, फिलहाल रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे। और ये रिसोर्स ग्रुप इज ग्लोबल, मतलब रिसोर्स ग्रुप US में बनाओ और यू टैग विथ UK रिसोर्स, इट विल वर्क। रिसोर्स ग्रुप US में बनाओ, यू टैग विथ ऑस्ट्रेलिया रिसोर्स, इट विल वर्क। मतलब अब सर्वर ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हो और रिसोर्स ग्रुप US में है, फिर भी चलेगा, ठीक है? टैग्स विल डिस्कस दैट लेटर ऑन व्हेन व्हेन वी आर यूज दोज टैग्स इन रियल टाइम। अगर सेम चीज मुझे कमांड लाइन के थ्रू करना है, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, क्लाउड शेल करके एक है, राइट? क्लिक ऑन क्लाउड शेल, ओके, अंडर श्रीनिवास सर, या गो अहेड, क्रिएट एक्सप्लोर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड अगेन विद द रिसोर्स ग्रुप। बोलिए। रिसोर्स ग्रुप इज रिसोर्स ग्रुप इन अज़्योर वी हैव टू क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप, देन ओनली वी कैन ऐड दिस सर्वर्स और व्हाट एवर नेटवर्क, यस, और वी कैन फॉर्म एग्जैक्टली, एवरीथिंग आफ्टर द रिसोर्स ग्रुप हायरार्की, ओनली। या द हायरार्की इज हाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद में ही जो कुछ आएगा
एज्योर में, समझ रहे हो? रिसोर्स ग्रुप के बिना, सब्सक्रिप्शन के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो एज्योर में, ये दोनों चीजें मैंडेटरी है। सो आपने सो हाँ कैन आई क्रिएट मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप और आई हैव टू डू वन रिसोर्स ग्रुप एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन द मीन्स जो सिंगल ग्रुप? बिजनेस रिक्वायरमेंट देर इज नो अपर लिमिट एज सच। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर 5 रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो या 15 रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, राइट? उसका बेंचमार्क वैल्यू मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप तो बना ही सकता है, ठीक है? सो सी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड लाइन के थ्रू AZ login, एक सेकेंड है। देना है कॉपी, सॉरी लॉगिन, ये क्या कोड दे रहा है, AFAMBN AFAMBN 79F 79F। नेक्स्ट, तो कमांड लाइन इंटरफेस पे लॉगिन करने के लिए, राइट? कमांड लाइन इंटरफेस में लॉग इन हो अभी आप, ओके? अगर इस दूसरा टैब में खोलना है, ओपन न्यू सेशन इन डिफरेंट टैब, मतलब नॉर्मली कैसे है, आपका सिस्टम के अंदर पावरशेल रहेगा, उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो उसके साथ यूज करना नहीं चाहता हूँ, सो आई विल यूज क्लाउड शेल। क्लाउड शेल मतलब विद इन द पोर्टल ही चला पाएंगे, बट फिलहाल मुझे एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो पहले ही मैंने एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया जीओए के थ्रू, मुझे सीएलए के थ्रू भी रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं। लेट्स सी कनेक्ट हो रहा है क्या, राइट? सो AZ ग्रुप क्रिएट रिसोर्स ग्रुप टू हाइफन हाइफन लोकेशन ईस्ट US। हाइफन हाइफन नेम, सी रिसोर्स ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड, एकदम सिंपल यूजर फ्रेंडली कमांड। गो बैक, रिफ्रेश कर लो। ये थोड़ा जीयूआई सीएलआई में सिंकिंग में थोड़ा अंतर है, मैंने यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप, ये जीए में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, रिफ्रेश करो, थोड़ी देर में आएगा यहाँ पे, ठीक है? सो यू कैन यूज बोथ वेज सीएल, ठीक? रिसोर्स ग्रुप बना, देन व्हाट इज नेक्स्ट, बताया था ना सीएलए के रिसोर्स ग्रुप। सो वही रिसोर्स ग्रुप मैंने सीएलए के थ्रू बनाया था यूजिंग सिंपल कमांड ग्रुप क्रिएट। इसका अलग एक सेशन है, उसमें हम लोग इसका सिंटैक्स कैसे है, हाउ यू कैन डिप्लॉय अ वीएम फ्रॉम एंड टू एंड, वो डिस्कस करेंगे। सॉरी, ऑलरेडी है रिसोर्स ग्रुप RG1, इसलिए वो वहां पे क्रिएटेड ही है। RG2 दे दे, क्रिएटेड है दूसरा रिसोर्स ग्रुप, RG1 ऑलरेडी है ना, वही रिप्लेस कर दिया, बट यू सी दूसरा क्रिएट होना चाहिए, थोड़ी देर में आ जाएगा, राइट? सो लोकेशन इज, देर इज अ रिसोर्स ग्रुप विच हैज बीन क्रिएटेड, सक्सेस, समवेयर यू विल सी सक्सेस, ठीक? रिफ्रेश आ जाए यार, देखो अभी आया, थोड़ा टाइम लगेगा सिंकिंग में, क्योंकि सीएलए जीओए में थोड़ा बैकएंड उसका सर्विस फैब्रिक जो है वो सिंक करने में थोड़ा सा टाइम डिले रहेगा जीओए और सीएलए के बीच में, ठीक? ये हो गया, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लिया, मल्टीपल वेज है, तो मैंने एक जीओए के थ्रू किया और सीएलए के थ्रू भी कर लिया। व्हाट इज नेक्स्ट, उसके बाद क्या है?
राइट, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, उसके बाद मुझे नेटवर्क टोपोलॉजी बनानी है। सो हमने डिसाइड किया कि तीन लोकेशन पे मुझे वीनेट चाहिए। व्हाट इज वीनेट? सो लेट्स लीव दोस एज्योर बेसिक्स, लेट्स कम बैक टू नेटवर्किंग बेसिक्स। मतलब एज्योर में बेसिकली वो तीन चीजें जरूरत है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, उसके बाद एंड योर डायरेक्टरी आईडी तो है लॉग इन करने के बाद, खत्म, इतना ही है आपको एज्योर प्रैक्टिस करने के लिए मैंडेटरी चीज है। नाउ आई नीड टू वर्किंग लिटिल इन डिटेल, ओके। सो ये तो सबको पता ही होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, कल वो हम डिस्कस कर रहे थे ना। मुझे ये जानना है राउटेबल एंड नॉन राउटेबल आईपी मींस क्या है, एनी कोरिलेशन, एनीबडी? राउटेबल एंड नॉन राउटेबल आईपी एड्रेस, यू आर नॉट ऑडिबल गिरीश, विकास कोई भी कर सकते हो। Am I audible? The private IP addresses which cannot be routable over the internet and non-routable means private. Right. Routable means public. Public. Whatever. Whatever. So, मुझे ये याद रखना है कि भाई लोग हम लोग IPv4 में ही खेलेंगे। मैं ये पीछे जाके ये IPv4 क्या है, V6 क्या है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। So I believe everybody knows this. ठीक है, ग्रांटेड, या कुछ डिस्कस करनी है इसके ऊपर? ठीक है, मतलब ग्रांटेड है। सो IPv4 ही हम लोग यूज करेंगे, V6 मैं भी कभी यूज नहीं किया, मैं कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया अभी तक, ठीक है। इफ यू गाइस आर कीन टू इंप्लीमेंट IPv6, स्टार्ट लर्निंग IPv6, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। IPv4 में आपका कुछ क्लासेस है, कोई बता सकता है V4 क्लासेस? एनी क्लास ABCD? मुझे वो सब नहीं चाहिए, अपना काम के लिए तीन काफी है। डी एंड ई दुनिया भर की चीजें हैं, तो वो हम लोग यूज भी नहीं करते ना, कोई यूज के लिए दिया नहीं वो, दैट इज फॉर रिजर्व्ड एंड गवर्नमेंट और रिसर्च, कुछ तो है ना, राइट? ये बी सी इतना ही यूज करते हैं हम लोग। सो एक रेंज बता सकते हैं कोई? 10.0.0.0/ नहीं, ओह सॉरी, क्लास ए, ओके, हां आई वाज सेइंग अबाउट प्राइवेट। और बी बी का बता सकते हैं कोई? मतलब 127, 128 से 191 तक। बीच में 127 कहाँ गायब है? यूज्ड फॉर लूप बैक। व्हाट इज लूप बैक? इट्स द ओन आईपी एड्रेस, इट्स अ आईपी एड्रेस लोकली असाइन फॉर द हर एक सर्वर, खुद को रिजॉल्व करना है, देन इट विल यूज दिस सीरीज टू रिजॉल्व लोकल होस्ट। क्लियर? मतलब आप खुद ही फोन नंबर को डायल करोगे, हमेशा बिजी आता है, बट यहाँ पे वैसे बिजी आता है तो नहीं चलेगा, खुद का भी कुछ काम होता है सर्वर में। सो 127 द होल रेंज इज डेडिकेटेड फॉर लोकल होस्ट लूपबैक आईपी एड्रेसेस। अब कोई भी इस रेंज का आईपी पिंग करो, 127.0.251.251, चल रहा है? कोई भी रैंडमली कुछ भी पिंग करो, वो हमेशा चलते रहेगा। 0.1 पिंग हो रहा है, राइट? 200.10.200, हर एक आईपी पिंग होता है लोकल में, वो खुद ही इस सर्वर का आईपी है वो पूरा रेंज। सो ही पिंग करके आपको आउटपुट देगा, इसलिए वो एक्सक्लूड कर दिया आपका आईपी सीरीज। देन व्हाट इज क्लास? कहां तक? 222
223 बराबर। ना उसमें से मुझे पब्लिक कौन सा है या प्राइवेट कौन सा है? पब्लिक वन स्टार्ट्स फ्रॉम इन क्लास ए इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 डॉट सॉरी, पब्लिक आईपी रेंज जो है वो क्लास ए के लिए 10 डॉट एक्स सीरीज से तो स्टार्ट होती टेन है। डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो टू 10.255.255.255, मतलब ये जो रेंज है ये डिफाइन करके कि सॉरी ये क्या हो गया भाई, सॉरी ग्रीन कलर बाउंड्री जो है ये जो है प्राइवेट आईपी रेंज, मतलब दुनिया में कोई भी कंपनी इनका इंटरनल प्राइवेट बिजनेस चलानी है, दे हैव टू यूज दिस रेंज, दैट्स इट, हर एक कंपनी। देन व्हाट अबाउट द पब्लिक आईपी? 1.0.0.0.2 9.255.255.255 255 एंड 11.0.0.2.1 120 255.255, राइट? सो बेयर विद दी non-standard typing, so this comes under public typing. Agree on this? yes. मुझे एक example चाहिए एक public IP इस range class A का। facebook.com 192.157, 157 जो है class B में आएगा, राइट? 157 जो है क्लास बी में आएगा, मतलब एफ बी जो है क्लास बी में चल रहा है, मुझे क्लास, राइट? सो एनएस लुकअप google.com 172, ये क्लास में ये भी क्लास बी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक तो मिलना चाहिए। हाँ देखो आ गया, yahoo.com 72, राइट? ये पब्लिक, मतलब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, बट जो भी पब्लिकली पब्लिकली एक्सेसिबल आईपी है ये 10 के अंदर आना चाहिए, बराबर? कोई भी 10. सीरीज आईपी वो दुनिया भर के आईपी रहे, ओवर द वेब एक्सेस नहीं होना चाहिए, रहेगा। बट बाकी सारे ये देख सब क्लास ए का पब्लिक आईपी है, राइट? सिंपली क्लास बी का पब्लिक और प्राइवेट रेंज बता सकते हो? क्लास बी के लिए क्लास बी का 172.157 128 से लेके बताइए 172.15 डॉट 16 डॉट 255.255 एंड व्हाट एल्स 172.30 152 2 191.255.255.255, right? This comes IP. Then what about the private? Private एकदम सिंपल है, 172.16.00 to 172.31.255.255, बराबर? इतना ही है प्राइवेट रेंज। वन ऑफ द एग्जांपल इज +31, इन बीच में नहीं होना चाहिए, कोई भी पब्लिक आईपी आप रिजॉल्व करोगे वो उस रेंज में होना चाहिए, एंड इट विल बी इन बिटवीन दिस बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री। 157 इज इन बिटवीन 128 एंड 172, बराबर? इफ क्लास बी है तो मुझे क्लास सी का रेंज चाहिए, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। 192.168.00 to 192.168.255.255, ये रहा मेरा प्राइवेट आईपी, बराबर?
एंड पब्लिक आईपी जो है 192.0.0.02 192.167.255.255 एंड 192.169.0.0.223.255.255.255 ये रहा आपका पब्लिक। Agree? And any example? NS lookup godaddy.com 208. बराबर क्लास सी 208 192 के ऊपर और 223 के बीच में एंड नॉट फॉलिंग अंडर प्राइवेट रेंज। दीज आर दी फ्यू पब्लिक आई पीस कॉमनली यूज आपको अच्छा होता है। यू कैन चेक इट आउट एनी थिंग एन एस लुकअप एज्योर डॉट कॉम एनी थिंग यू कैन चेक इट आउट। ये देखिए क्लास ए में है और सब क्लास ए में चल रहा है एज्योर का एज्योर डॉट कॉम Right, like this, you have multiple things that you can manage over the web that you call it as routable and non-routable means private. Any question? Now, I want to understand ये public private ठीक है Azure से use करेंगे कहाँ पे use करेंगे So when it comes to Azure networking basics. So when it comes to Azure, the first foremost component what you create is Azure VNet. What is Azure VNet? Any idea? Shekhar, in your way, ये क्या है? है कोई? गाइस कम ऑन कम ऑन कोई कोई भी बता सकते हो विकास नो आइडिया योर वीनेट शेखर कैन यू हियर मी या आई आई नो आई या गो बिकॉज़ द सिंस आई एम टॉकिंग आई वाज नॉट श्योर या इट्स अ वर्चुअल नेटवर्क फाइन डिजाइन कैसे करेंगे डिजाइन तो किया नहीं सर नेटवर्किंग टीम विल प्रोवाइड ऑल दोस अभी मुझे डिजाइन करना है कि छोटा सा नेटवर्क है उस पे मुझे लेट्स से डिजाइन मतलब क्या है अभी देखो मुझे थ्री टायर एप्लीकेशन है मेरे पास थ्री टायर एप्लीकेशन है मतलब थ्री टायर एप्लीकेशन मतलब क्या रहेगा बॉस एप्लीकेशन बोले तो एक टायर में वेब सर्वर्स रहते हैं और दूसरा टायर में आपका एप्लीकेशन सर्वर्स रहता है और तीसरा टायर में आपका डेटाबेस सर्वर्स फिगर विद एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट यू डेवलप ये स्ट्रक्चर तो फॉलो करेगा बराबर। नाउ ये थ्री टायर एप्लीकेशन ऑन प्रीमाइस में है मुझे एज्योर पे लेके आना है तो यहाँ पे भी थ्री टायर एप्लीकेशन का टोपोलॉजी बनाना पड़ेगा। सो अगर मुझे ये थ्री टायर एप्लीकेशन का टोपोलॉजी बनाना है तो पहले मुझे कैच करना चाहिए बॉस जो तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिया एज़्योर यूज करेंगे ठीक है उसमें सब्सक्रिप्शन भी है उसमें रिसोर्स ग्रुप भी बना लिया बराबर लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर दिया ईस्ट यूएस क्योंकि मेरा डीआर साइट जो है ईस्ट यूएस में करंट लोकेशन में रिकलेक्ट यस्टरडे सिनेरियो 10 अलग अलग लोकेशन पे है मुझे तीन लोकेशन करना है वो कर लिया वन ऑफ द लोकेशन इज ईस्ट यूएस ठीक है नाउ मुझे जो भी करना है वो ईस्ट यूएस में करना है ठीक है सो ईस्ट यूएस में मुझे नेटवर्क का टोपोलॉजी बनाना है नेटवर्क का टोपोलॉजी जैसे बनाना है जब देखा एग्जिस्टिंग सर्वर का थ्री टायर आर्किटेक्चर है करते हुए मुझे यहाँ पे एज्योर में थ्री टायर आर्किटेक्चर का टोपोलॉजी बनाना है मतलब यू नीड टू क्रिएट योर नेटवर्क बाउंड्री एट फर्स्ट स्टेज घर बनाना है तो बाउंड्री बनाओ ठीक
where you are creating the boundary in East US. Okay, so boundary outer layer all has address space. Address space bola to outer layer ka boundary kitna hai. So abhi ye kitne bada boundary design karna hai. आपको कितना आईपी चाहिए इनसाइड द बाउंड्री उसके हिसाब से ये एड्रेस स्पेस बदल जाएगा. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी आईपीस यू नीड इनसाइड देन यू हैव टू गो बैक एंड डिस्कवर एग्जिस्टिंग लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. डीआर साइट में जाओ और कौन सा लोकेशन कवर करो चाहिए, कितना सर्वर है, कितना आईपी है और उसका क्या कोरिलेशन है और क्या डिपेंडेंसी मैपिंग है, वो सारा चीजें माइग्रेशन में डिस्कस करेंगे. मुझे ये अंदाजा ये चाहिए कि भाई हाँ ये एड्रेस स्पेस मुझे 1000 आईपी एड्रेसेस चाहिए. ये अपर बाउंड्री है. ये तो बड़ा मुश्किल है. सबनेट कैलकुलेशन बोला तो सरदर्द. एग्री और डिसएग्री, किसी को आता है सबनेट कैलकुलेशन अच्छे से बताइए. अगर किसी को आता है तो ठीक है, नहीं तो विल डू दी स्मॉल कैलकुलेशन. यस सर नो, मुझे बताओ उसके हिसाब से मैं बताता हूँ. नो ठीक है. तो कोई भी आईपी एड्रेस लो, अभी हम लोग 10 का ही ले रहे हैं ना. ये रहा एक आईपी एड्रेस 10.0.0.0. कुछ लोग क्या करेंगे /24, मतलब क्या है? मतलब ये है 10.0.0.0 से लेके 10.0.0.255. कितना आईपी एड्रेस है? 256. दिस इज द बाउंड्री बॉस, दैट्स इट. /24 मतलब इतना ही है, इसके आगे पीछे कोई नहीं, खत्म इतना ही. मतलब 24 बोले तो ये लास्ट डिजिट जो है वो पूरा बदलते रहेगा 0 टू एंड तक बस. बट that you can use 54 बराबर एक subnetting एक broadcasting दो IP चले जाएगा 0 on 255. you can never use in your traditional way. दुनिया में कोई भी कहाँ पे भी use नहीं कर सकते हैं. ignore those two ठीक. but अगर Azure में आ जाओगे, Azure और एक 3 IP खा लेगा. मतलब 0 1 2 3 plus 255, ये 5 IP Azure खा लेगा. बचे आपका 4 to 254. मतलब Azure आप यूज करोगे सेम ट्रेडिशनली आपको 254 मिलेगा, Azure में आने के बाद 251 नहीं मिलेगा. क्लियर ऑन दिस? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस पूछ लो अभी से. नहीं बोलो 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 जल्दी. एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ठीक है. सो मुझे मानना है कि ये मेरा डिसाइडेड बाउंड्री है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके 65,000 गया. मुझे ये एड्रेस स्पेस है मेरा 0.0.24, मतलब इसके अंदर आपका बाउंड्री जो है 251 आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हो. मतलब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, ये बाउंड्री आपने डिफाइन किया, अंदर आपको वापस छोटे छोटे बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगा. ये छोटा बाउंड्री क्या है, इसके बाहर वाला है कि अंदर वाले? अंदर बनाए तो अंदर वाले ही होंगे ना. मतलब ये दोनों सबनेट जो है इसका एड्रेस स्पेस का सबसेट होंगे. मतलब सबनेट 1 सबनेट 2 ठीक. सो सबनेट 1 सबनेट 2 बनाना है /25, मतलब 0 to 10.0.0 कहाँ तक? 128 आईपी एड्रेसेस. सेकंड सबनेट क्या है? 128.0/25. इसका क्या रेंज है? 128 to
10.0.0.255 ये सबनेट 2। इसी सिनेरियो आप पकड़ोगे, ये सिनेरियो आप पकड़ोगे कैसे बनाना है, इसका क्या है 10.0.0.0/25 एंड सेकेंड हाफ जो है इसको आ जाएगा, मतलब जो 251 आईपी एड्रेसेस है उसको अलग से डिवाइड करके दो बना लिया। ये कैसे बनाना है, लेट्स गो टू Azure VNet, गो टू VNet, क्रिएट अ VNet। ये देखो सब्सक्रिप्शन के बिना कुछ होगा ही नहीं है, तो पहले ये क्या कुछ डेफिनेशन दिया है, वो खुद ही डेफिनेशन क्या है देखते हैं। Azure Virtual Network is fundamental building block for your private network in Azure. VNet enables many type of Azure resources as virtual machines to securely communicate each other, internet and on-premise networks. मतलब VNet से अंदर बात करनी है या बाहर बात करनी है, बाहर बात करनी है तो over the internet, अंदर बात करना है तो internally वो communicate हो ही जाएगा, और on-premise के साथ बात करनी है तो VPN deploy करो, securely communicate कर लो। VNet is similar to traditional network that you would operate in your own data center, but brings with additional benefits of Azure infrastructure as scale, availability, isolation. अलग रखना है, isolate करके create कर लो, deploy कर लो। Availability एक जगह पे down हो गया, दूसरी जगह पे अपना आप चल जाएगा। Scale, it you can simply add, expand the boundaries like amoeba. Okay से अभी देखते हैं। So सब्सक्रिप्शन तो बना लिया, पहले से है सब्सक्रिप्शन, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। रिसोर्स ग्रुप मैंने दो बनाया था, कौन सा रिसोर्स ग्रुप यूज करना है, एक रिसोर्स ग्रुप, और मुझे कहाँ पे ये VNet बनानी है, तो ईस्ट वेस्ट में बनाओ या चाहे तो कोई भी लोकेशन में बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे ईस्ट वेस्ट में बनानी है, ठीक है। नेम जो है VNet वन एग्जाम्पल नेटवर्क, ये देखो पहले से एड्रेस स्पेस पे दे दिया, मुझे वो नहीं यूज करना है, मुझे /24 यूज करना है, acceptable। उसके साथ साथ मुझे subnet add करना पड़ेगा, add subnet, subnet one कैसे 10.0.0.0/25, /25 बोले तो क्या है 0 to 127, वही खुद ही बता रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है right? खुद ही बता रहा है, उसमें से पांच जो खा लेगा आपको 123, हर एक सबनेट में पांच खा लेगा, क्योंकि क्योंकि Azure का है, ट्रेडिशनली दो खा लेगा आईपी, Azure में पांच खा लेगा, ठीक। अनदर सबनेट, सबनेट 2 10.0.0.128/25, डन। 128 से लेके 255 तक, और बचा बाउंड्री में, ये आउटर लेयर है, ये इनर बाउंड्री से और अच्छा है क्या बाउंड्री का आईपी एड्रेसेस में, नहीं ना। हम लीजरली नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, सिमिलरली ये हो रहा है डिप्लॉय, सिमिलरली मुझे ये हो गया डिप्लॉयमेंट, और एक VNet बनानी है, बट द डिजाइन इज सच अ वे आई हैव वन VNet इन आउटर लेयर, वन VNet इन द आउटर लेयर, ये भी ईस्ट यूएस में, ठीक, और ये भी एड्रेस स्पेस 0, this time /16 दूंगा, /16 दिया तो क्या रेंज आएगा, यू विल गेट 65,000 आईपी एड्रेस इंस्टेड ऑफ 251 आईपी एड्रेस। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो आपका VNet, सपोज ये VNet मैंने ले लिया तो इतना आईपी एड्रेस आया, उसके ऊपर ले लो 10.0.0.0/23, तो 10.0.0.0 to 10.0.0 1.255,
512 IP address you will get. Rest of the calculations can do self. Means 24 से ऊपर जाते वक्त आप डबल करते जाना आईपी को. दैट इज द कैलकुलेशन सबनेट. 22 बोले तो 10.0.0 टू 10.0.4.255 कितना आईपी एड्रेस आएंगे 1024. सो कॉपी. अगर 20 दिया तो कितना आएगा यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 2048 आएंगे. मतलब इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो आई विल नॉट राइट एवरीथिंग एज सच. सो यहाँ पे कितना आएंगे, सॉरी यहाँ पे 4096 आईपी एड्रेस इज द बाउंड्री. 10.0.0.0/19. So 8081. How much? 9 2. बराबर गाइस, कैलकुलेशन बराबर है क्या? इसके आगे जाने के बाद मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है. सो आई विल राइट इन केस. ठीक है, 18 बोले तो 16,000. उसके ऊपर जो नंबर है आप कैलकुलेट कर लेना. 18 into 8 16 ना. सो 17 बोले तो 16 into 16 32,000 आईपी एड्रेस. स्लैश 16 बोले तो 65,000 आईपी एड्रेस. 64 नहीं है, 64 आएगा सब मिला के. अब पूरा कैलकुलेट करोगे तो ठीक. एंड सो ऑन. ऊपर जाने के बाद नीचे, नीचे जाने के बाद कैसे 10.10.0/26 बोले तो 64 आईपी एड्रेस. समझ में आ रहे? /27 32 आईपी. /28 16 आईपी एड्रेसेस इज द बाउंड्री. /29 8 आईपी मिलेगा आपको. 30 चार आईपी है बाउंड्री का. सो 31 दो ही आईपी मिलेगा उस सबनेट में. 32 बोले तो इंडिविजुअल आईपी एड्रेस एक ही आईपी है. दैट्स इट. एंड दैट इज द एंड. ऊपर जाते रहेंगे तो वो बढ़ते जाएगा, नीचे आते रहेंगे तो वो कम होते जाएगा. आपको बेसलाइन ये पकड़ना है. /24 बोले तो एक पूरा का पूरा लास्ट ऑक्टेट पूरा फिल हो जाएगा. यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ आईपीस बढ़ते रहेगा, नीचे जाएंगे नंबर ऑफ आईपीस कम होते जाएंगे. ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेट करना है या नेटवर्क बाउंड्री डिजाइन करना है, यू कैन टेक दिस एज अ बेस. ये यूज करके आप कोई भी डिजाइन कुछ भी कैसे भी कर सकते. ठीक है, सो मुझे 65,000 आईपीस चाहिए तो ये मेरा बाउंड्री है. सो अंदर मुझे 3-tier आर्किटेक्चर बनानी है. जो जब मैं 3-tier आर्किटेक्चर बोलूंगा, वेब ऐप डेटाबेस. सो वेब सर्वर्स जो है 10.0.0.0/24 मतलब 250 सर्वर्स इन दैट 10.0.0/24 10.0.2.0/24 And so on till what? What is the last? How many subnets that you can create? 10.0.2550/24. Getting my point? मतलब is as it is. अगर ऐसे बनाते जाएंगे तो total 255 subnets बन सकते हैं. 255 subnets में last boundary जो है वहाँ पे खत्म होगा. मतलब 255 into 255, how many? That is your 65,000 IP address. Clear? So how to create this? Yaad rakho, series. Already ek banaya maine, ek vnet banaya 10.0.0.0/24 address space. Yaad rakho, aur address space barabar.
Now I want to create another view on the same location with the same IP range. Under resource group, vnet in East US only. Next, /16 I'm using now. So see what it is saying. Simple warning there. Error nahi de raha hai. The address space overlaps with vnet 1. Aap vnet 2 bana rahe ho, theek hai. But ye already use kiya hua hai. Dhyan se design kar lo. चलेगा, मुझे पता है. Still I'll go ahead. /24, it will work. So 10.0.0, sorry, subnet 2. 10.0.0.0/24 वापस एरर दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी है सबनेट दे दिया. दूसरा सबनेट उसी रेंज का तो नहीं दे सकते हो. 1.0 राइट. सो सबनेट 3 10.0.2.0/24 एंड सो ऑन. लास्ट सबनेट इज 10.0.255.0/24. This is last subnet. मतलब ये second digit जो है वो देखते रहना 0, 1, 2, 3 up to 255 आप बना सकते हो. ये 10 के बाजू में जो 0 है वो change नहीं होगा कभी. /16 में slash तो second digit, /24 बोले तो first digit. ठीक है. Maximum ये दो ही चीज करेंगे कोई भी designing में. Create. Done. Come on, हो गया. चलो, go to VNet. देखो, graphics का problem. बड़ी मुश्किल से आता है. You have to डू सम योगा. देखो अभी भी आया नहीं, बट यहाँ पे आओ. ये गो टू रिसोर्स करो. वीनेट 2 तो डिप्लॉय हो गया, अभी चल भी रहा है, बट वहां पे जीओए में दिख नहीं रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा. ये देखो /16 एड्रेस स्पेस /16 एड्रेस स्पेस इज ओवरलैपिंग विद /24 वीनेट 1. सो बी केयरफुल इफ यू आर यूजिंग दिस इन योर प्रोडक्शन. तो बनाने के लिए लैब में कुछ भी बना सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ये रिकमेंडेड है ही नहीं. वैसा एक ही एड्रेस स्पेस बार बार बनाने, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आईपी एड्रेस मस्ट बी यूनिक. अगर ये आईपी ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह पे यूज होते होंगे, इफ यू कनेक्ट ऑल द साइट्स टुगेदर, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे ट्रैफिक भेजना है, या इधर भेजना है या उधर भेजना है. मतलब किया यहाँ पे Azure में ऑन प्रीमाइस है, यहाँ पे दूसरा ऑन प्रीमाइस है, यहाँ पे तीसरा चौथा ऑन प्रीमाइस लोकेशंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस. सो बाद में जब हम लोग ये सब चीजें इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई तो यूजर है. ये यूजर का आईपी जो है 10.92.22.68, ये एक यूजर का लैपटॉप आईपी है. ये यूजर क्या कर रहा है, 10.0.2.69 करके एक सर्वर है, इस पे कनेक्ट करना चाहता है. बट यहाँ ये आईपी कहाँ पे, आइडियली अपना इमेजिनेशन यहाँ पे होना चाहिए, बराबर 10.0.2.69 यहाँ पे होना चाहिए. बट यहाँ पे 10.0.0.0/16 करके अलग से सबनेट ऑलरेडी है 10 साल पुराना. मतलब ये ऑफिस 10 साल पुराना है, वहाँ जिस दिन वो ऑफिस बनाया तब से वो आईपी रेंज वहाँ पे यूज हो रहा है. इफ यू आर यूजिंग द सेम आईपी रेंज हियर, इट इज ओवरलैपिंग विद दिस. सो ये यूजर अभी इस आईपी पे जाना है, तो कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है. तो वैसे तो हो ही नहीं सकता ना. यू हैव टू मेंटेन यूनिक
ड्रेसिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए अब अगर गलती से यहाँ पे बनाया तो भी वो खुद ही एक वार्निंग दे रहा है, भाई ये देखो ये ऑलरेडी तुम यहाँ पे यूज किए हो, वापस यही रेंज यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो इट्स ओके, फिलहाल चलेगा, दूसरे का कनेक्ट करोगे तो नहीं चलेगा। मतलब योर वी नेट एंड वी नेट टू within East US, within East US I'm talking about. Sorry, just a second. मान लो ये बाउंड्री जो है, ये ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ये सब खेलना बंद करेंगे। एक विनेट बनाया हम लोग और दूसरा विनेट बनाया अभी ईस्ट यूएस में, ठीक है। सो ए 10.0.0.0/16, दूसरा जो है ये 10.0.0.0, ये भी /16, मान लो कि कर ही देंगे ये भी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? विनेट वन में जाओ, ठीक, एड्रेस स्पेस इसको /16 कर दो, सेव कर दो, खत्म, ऑन द फ्लाई एज ए से डामी बे की तरह काम करेगा ये, देखो ओवरलैप हो रहा है पूरा के पूरा, बता रहा है अभी, ठीक है, बट अपने बाउंड्री तो पूरा बदल दिया, यू कैन चेंज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट चेंज करना बहुत आसान है, उसके अंदर जो डिवाइसेस है अगर प्रोडक्शन में ऑलरेडी डिप्लॉय किया है और दो एक एक दो सर्वर जो है वो चल रहा है बहुत बहुत मायने से, तुरंत यहाँ पे आके ये चेंज कर दिया, यू नेवर नो द इम्पैक्ट, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मॉडिफाइंग एनीथिंग। तो प्रोडक्शन में तो वैसे कुछ सवाल ही नहीं है विदाउट सीआरक्यू ये सब, ठीक है। सो अभी ये देखो यूएसटीवर्स में वीनेट 1 एंड वीनेट 2 दोनों बनाया विद द सेम रेंज, सेम आईपी स्पेस, सेम एवरीथिंग, स्टिल बोथ कैन बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट लॉजिकल एंटिटीज एज फार एज एज़्योर इज, मतलब ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, भले सेम आईपी दिया कुछ फर्क नहीं, इट विल ट्रीट एज सेपरेट एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर बनाया, यू कैन क्रिएट इट, और यहाँ एक सर्वर बनाया, यू कैन क्रिएट इट, ये दोनों सर्वर का आईपी सेम हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज आईपी बाउंड्री तो सेम है तो अंदर का सर्वर का आईपी भी सेम ही होंगे ना, चलेगा दोनों सर्वर अलग अलग तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। The only problem is when you are integrating these two, तब confusion आता है कि कौन से server कहाँ से किसके साथ बात करना चाहता है, right? Cannot join these two together, first thing. And for on-premise, office 1, office 2, office 3, office 4, अलग-अलग office जो है सबका network अलग-अलग है, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, सब एक एक के साथ कनेक्ट कर लिया, वेल एंड गुड, इट इज वर्किंग, एवरीवन इज हैप्पी, एंड यू हैव अ न्यू डेवलपमेंट एंड अपने दूसरा बनाया, इसके अंदर कुछ सर्वर है, देन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस, यहाँ पे जब कनेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे ये कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि तब वो ओवरलैपिंग दिखाता है, यू कैन नॉट कनेक्ट दिस वीनेट विथ योर एग्जिस्टिंग ऑन प्रीमाइस और योर एग्जिस्टिंग वीनेट। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, यूनिक आईपी रेंज आपको मेंटेन करना चाहिए, सो दैट 10.1.0.0/16 तब ये यूनिक आ जाएगा, राइट? सो अभी जाके वीनेट टू में चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे, वीनेट एड्रेस स्पेस यहाँ पे 10.1. देखो वार्निंग चला गया, बट सेव करते वक्त तुम्हें एरर आना चाहिए, ये देखो एरर आया, क्योंकि उसके अंदर जो सबनेट है उसको क्या करोगे, ये तो चेंज होने से नहीं, ये सब डिलीट करके वापस रिक्रिएट करना पड़ेगा। अगर ये डिलीट किया, इसके अंदर कुछ मशीन्स हैं, वो भी आईपी चेंजेस करना पड़ता है, राइट? इतना आसान नहीं है, एक बार बना लिया चेंज करना मतलब सरदर्द। दिस इज द रीजन आई सेड यू आर building construction, if you see you are doing your pillaring and all, right, basement and all, that is the key. So when you are deploying something,
prepare your network in a proper way. Or a question hai, can we use class B here? Guys, class B use kar sakte hai kya? Isme? Azure mein class B use kar sakte hai ki nahi? Shekhar, Vikas, Abhijit, Girish. Kar sakte hai. Kar sakte hai? Class C? Yes, sir. Class C bhi kar sakte hai. Depend karta hai aapki requirement. Requirement ke sab se. But the problem ye hai, once you design the class C, ek slash section ka subnet, you end of class C. Dusra bana nahi sakte. Kyunki class C pura ka pura 65,000 hai. उससे ज्यादा हाई नहीं है क्लास सी में आईपी एड्रेसेस. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. राइट, बी केयरफुल व्हेन यू आर प्लेइंग विद स्मॉल कस्टमर्स और मीडियम रेंज कस्टमर्स. इफ दे हैव देयर ओन ऑन प्रीमाइज विद क्लास बी और एज्योर में कुछ माइग्रेट करना चाहता है, देन यू ऑलवेज सजेस्ट क्लास ए. एग्जिस्टिंग है और आने दो. बट द प्रॉब्लम जब आता है, जब इनका एप्लीकेशन हार्ड कोडेड विद द प्राइवेट आईपी एड्रेस, जब एप्लीकेशन डेवलप किया है इन्होंने सालों पहले, वो एप्लीकेशन क्लास बी में है 172.30 कुछ आईपी रेंज है मान लो, उसके थ्रू उन्होंने हार्ड कोडिंग डाल के क्रिएट किया, तब प्रॉब्लम आ सकता है. व्हेन यू आर माइग्रेटिंग इनटू एज्योर, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ यूजिंग क्लास बी ओनली. अदरवाइज it is very flexible, you can use any class A, class B, class Z IP ranges within Azure, provided you have proper IP address spacing defined in validation with your network architect on premise. वो net already है, सालों पहले ये range use कर रहा है, आपने यहाँ पे बना लिया और सर्वर्स माइग्रेट कर लिया, उसके बाद जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्लिक्ट होगा. राइट, प्लान इट वेरी वेल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर इंटीग्रेशन विथ योर ऑन प्रीमाइस, प्लान इट वेरी वेल व्हेन यू आर प्लानिंग टू बिल्ड हाइब्रिड क्लाउड. क्लियर? विद दिस आई विल स्टॉप हियर. टुमारो विल डिस्कस द कंटिन्यूअस टॉपिक्स VNets, subnets, and their testing and all. Samjha? Yeah, sir ke upar se chala gaya. Rahul, Girish, Vikas. Understand, okay. Whatever I could attend the discussion, but I initially session I missed because of issue at my side. So okay, yeah, we'll upload the videos later on. Any other questions from anyone? Okay, so yeah, go ahead. Sir, is this the IP space which is created is particular for a resource group, or it is particular for any? No. There is no resource group here. Every component, let's say if I go to all resources, every component will be associated with one resource group. Okay. ये दो बनाया था, ये दोनों चीजें resource group one के साथ मैंने add किया हूँ. ये resource group further connected to section one, मतलब दोनों ये रिसोर्स ग्रुप ट्रैक करते रहेगा और ये रिसोर्स ग्रुप बिल्डिंग के लिए इसको देगा. इन शॉर्ट ये रिसोर्स ग्रुप, सॉरी, ये VNet, VNet 1, VNet 2 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है. VNet कुछ कॉस्ट है ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. राइट, ये ज्यादा ये नहीं है, बट इट विल कीप ट्रैकिंग द थिंग्स फॉर सब्सक्रिप्शन. इज देयर एनी रिलेशन विद द लोकेशन देन इफ यू आर गोइंग विद द? यस, ये जो भी बाउंड्री आपने बनाया, ये ईस्ट यूएस में बनाया, मतलब आपका रिसोर्सेस बोले तो सर्वर या स्टोरेज या एप्लीकेशन कुछ भी डिप्लॉय करोगे, वो जाके ईस्ट यूएस में ही बैठेगा, इसके अलावा बाहर बैठ नहीं सकते. अगर
दूसरा लोकेशन में डिप्लॉय करना है, आपको दूसरा लोकेशन में जाके दूसरा विनेट बनाना होता है। मींस आई हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप देयर देन आई हैव टू क्रिएट ये रिसोर्स ग्रुप चल जाएगा। रिसोर्स ग्रुप इज ग्लोबल, इट कैन ट्रैक एनीवेयर। ओके ठीक है, एक छोटा सा मुझे एक विनेट बनानी है और एक सिंपल, ठीक है, अंडर सेम रिसोर्स ग्रुप, बट ये जाके मैं यूके वेस्ट या साउथ इंडिया में बनाएंगे। कहाँ पे कोई भी ले लो यार फटाफट, यूके साउथ, ठीक है, यूके साउथ में बनाएंगे वीनेट टू, सॉरी वीनेट थ्री। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा गड़बड़ है, ये देखो वो नहीं लेगा, ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये कंपोनेंट ऑलरेडी है, भले वो कोई भी लोकेशन में होने दो, राइट, गिव सम नेम। नेक्स्ट छोड़ दे, आईपी क्या है, कुछ भी हो सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हैं ना। डन, क्रिएट। जा जा, सो ऑल दिस देखो हो गया, एक विनेट बना बन गया, बट वो सिंकिंग में थोड़ा टाइम लगे एज आई सेड, तो थोड़ा रिफ्रेश करते रहो। देखो विनेट थ्री आ गया, बट ये लोकेशन अलग है, बाकी सब सेम है। मतलब ये विनेट आपने उस अदर आया, अगर वो विनेट के अंदर जो भी डिवाइस आप क्रिएट करोगे वो सब चीजें यूके साउथ में ही डिप्लाई होगा। मतलब आप इन शॉर्ट योर सर्वर्स यू आर क्रिएटिंग इन यूके। ओके, so if I'm using a 10 dot series in east PL, and can I'm using the 10 dot series in UK south, if we want to make an interconnection, then it will be a problem, no? Still it will conflict. Okay, so can we use will be using any public relation in this one to communicate? Hai nahi na, abhi tak koi public IP picture mein aaya hi nahi hai. Aaya nahi hai, ha ha. राइट, सो सब प्राइवेट है, प्राइवेट कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कभी भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंडली याद रखो। पब्लिक अपना हाथ में है ही नहीं, हम लोग पब्लिक को टच करते नहीं है, उन लोग जो देते हैं यूज करते हैं बेचारे। सो सर, इफ यू आर यूजिंग द आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज इन डिफरेंट लोकेशन आल्सो, वी हैव टू be concentrated on that what IP address we are using in one location, this one location, each and every location, and the other. Each and every location, or it should be different. आप ये याद रखो, नहीं नहीं, you have to think more beyond this. On premise है, you have some infrastructure in Azure, you have some infrastructure in AWS, ठीक है, ये सब चीजें है, हर जगह पे जाके आपको validate ये करना है कि वहाँ पे कोई भी conflict वाला IP मिलना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। कहीं भी लोकेशन हो, कोई भी टूल हो, या कोई पब्लिक क्लाउड हो, प्राइवेट क्लाउड हो, या ऑन प्रीमाइस हो, कुछ भी हो, इफ यू आर डिजाइनिंग सम नेटवर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट बी यूनिक आईपी रेंज अक्रॉस द लोकेशंस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर? ओके, अदरवाइज रन टाइम में इश्यूज आएंगे, रन टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगे, देन यू पीपल आर फाइन। ऐसे कुछ होता ही नहीं है कभी, क्योंकि दिस इज व्हाट द मेन नेटवर्क आर्किटेक्ट ड्यूटी, वो इसके लिए हायर करता है कि ये सब चीजें वो मेक श्योर करे। ओके, ठीक गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? I have a question, sir, not for today's class. I just want to check with you about migrations. We'll do it. Okay, that's right. मेरे पास एक है, live migration करने के लिए VMware infrastructure ready करता हूँ, ठीक है? तो उसके सब गिरीश, वो use करेंगे हम लोग, सॉरी okay. मुझे थोड़ा ये नोट करने दो, ओके, गिव मी अ मिनट, या संदीप, क्रिएट लाइव माइग्रेशन फ्रॉम ऑन प्रीमाइस विंडोज सर्वर टू एज़्योर विंडोज, ओके, ठीक है, यस, एक एक्सरसाइज करेंगे सबसे लास्ट, ओके, राइट,
So I have Vikas as well. Let's see. I need your mobile numbers, guys. If you are okay, if you guys are okay to continue, just share your mobile numbers so that email ID as well. Just tell me about email ID and mobile number, or ping me in the chat, Abhijit. Everybody, just ping me on the chat, Rahul. Shekhar. एक क्या आशीष हाँ ठीक है रुको 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 मुझे थोड़ा गिरीश का नंबर आ गया मुझे यहाँ पे नोट कर रहा हूँ प्राइवेटली आपने शेयर किया ऑडियो ग्रुप में है सब लोग सो एनीवे पीपल विल कम टू नो ईच अदर यू गाइस कैन डिस्कस इफ यू गाइस हैव एनी टेक्निकल क्वेरीज ओवर देयर आशीष आई हैव अ नंबर्स इन द ग्रुप बट व्हाई आई नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप दोस हु वांट टू कंटिन्यू अक्षय Abhijit. And Shekhar ka hai, right? And Rahul. Rahul, aapne up ho gaye group mein? Yes, okay. So, mere paas aur kiska number aana baki hai? Sandeep ka hai already. हम लोग रोज बात करते रहते कभी ना कभी और विकास का बाकी है और अक्षय अक्षय आपका नंबर मिला नहीं मुझे थोड़ा पिंग कर लेना अगर वो ग्रुप में है ठीक है बट बाकी लोगों को मैंने वो ग्रुप से एग्जिट करवा देता हूँ सिर्फ उतने ही लोग रहेंगे जो एनरोल करेंगे समझे राहुल कुमार माई माइक इज हैविंग इश्यू सो आई विल सेंड ओनली मैसेज नहीं नहीं कोई बात नहीं है एक काम कर सकते हो ये देखो तो मुझे एक चीज दिखाने दो यहाँ पे सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम यहाँ पे मैं एक नंबर शेयर करता हूँ बाद में यू पीपल कैन ज्वाइन विद द मोबाइल डायरेक्टली मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो सो बाद में मैं एक नंबर दूंगा आपको यहाँ पे WebEx में यू कैन डायल इन द ब्रिज वो ब्रिज डायलिंग का नंबर्स है लोकल नंबर्स बैंगलोर और पुणे का सो वो नंबर मैं शेयर करता हूँ आपको वो ब्रिज आईडी भी शेयर करता हूँ सो ब्रिज वो ब्रिज मीटिंग आईडी में आप डायरेक्टली डायल इन कर सकते हो मोबाइल से और लैपटॉप से आप वीडियो देख सकते हो मोबाइल से ज्वाइन करके वहाँ पे ऑडियो बात कर सकते हो जस्ट लाइक योर नॉर्मल ऑफिस मीटिंग आई विल शेयर यू मे बी आफ्टर वो ग्रुप में मैं नंबर्स भी पिंग करता हूँ थोड़ी देर में क्या संदीप का है अक्षय आपका नंबर चाहिए इफ यू आर ओके आई मीन इफ यू आर ओके टू कंटिन्यू जस्ट शेयर योर नंबर अक्षय ने दिया क्या सॉरी आया नहीं मुझे ठीक है सो विकास यू बैक फाइन सो आई हैव थ्री मोर पेंडिंग नंबर्स लेट्स कंफर्म दिस संदीप का तो है इसमें मैं देख लेता हूँ नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम अक्षय विकास इफ यू लाइक टू कंटिन्यू ओके अक्षय का नंबर भी आ गया सॉरी ओके सो विकास आपका नंबर चाहिए मुझे आपने कॉल किया है बट मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं अभी सो जस्ट पिंग मी योर नंबर I don't know if you are connected to audio, you are able to hear me or not. It's okay, we'll talk offline. So guys, I get a group separately or I will keep only these people in the group and rest of the people I'll exit from the group so that we can discuss within the group, in the same WhatsApp group. And I'll take the email IDs later on. वो group में मैं ping करता हूँ आपको. और यहाँ पे मैं अभी note नहीं किया हूँ क्योंकि जैसे exit करूँगा ये सारे चले जाएगा history. So I'll take the email IDs later on just to share the videos. Okay. And one more thing. So ये mobile number है. दूसरा mobile number. I don't know if you people. Okay. You can pay on Google Pay or if you need account number, I'll share you the account details. Okay. Just pay me 6,000 for now. Yeah. Okay. Because no problem. Okay. Just pay me 6,000 for now and rest of the amount we'll take it in
August. Okay, anyway, this will go till August end. So half now and half in August. That's fine. Ashish, for you, it's 6,000 only. You already pay me the half of the amount previously. So, and for Sandeep as well. For rest of all, it's 12,000. Pay me half now and pay a rest of the half later on. Okay. And the meeting bridge is same. Same meeting bridge will maintain. Okay. And we'll share the videos. I need to download the videos from WebEx. So I'll download it now and I will upload it to the drive and I'll share it across by today, end of the day. After receiving payment, I will share the videos for everyone. Okay. Any questions on technical or any questions on training? So far, what we discussed, agar kuch question hai, toh hum log continue kar sakte. You can ask the questions or any other queries related to training, you can ask me. Shekhar, migration ekdam last mein. Ek minute, let me go to that. So migration strategy building, how you do the discovery and all, will in a separate session. Usme hai rahega kahine kahin likha maine. Yeah. Model, okay. Migration projects last mein hai, so we'll do it. Okay. Any question? And sir, isme power shells ka bhi expansion much nahi hai na? Just open that one. इतना सारे कवर करने के लिए मुझे तो आना चाहिए एटलीस्ट पावर शेल पहले से. प्रॉब्लम इज टेराफॉर्म इसलिए लिखा हूँ, अगर मैं टेराफॉर्म सीख लिया होता AWS और Azure हो आंग बंद करके डिप्लॉय कर सकते हैं. अभी PowerShell कैसे Azure के लिए एक बार ये सीखो, पहले क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स, Azure मॉड्यूल्स अलग रहते हैं PowerShell का और AWS का PowerShell मॉड्यूल्स अलग रहते हैं, उसका अलग से वापस सिंटैक्स वापस सीखो. राइट, अच्छा. जो कॉमनली यूज्ड है टेराफॉर्म, आजकल हर कोई जॉब रोल में टेराफॉर्म यूज कर रहा है. पीपल आर आस्किंग, अरे कोई तो पैसे भी भेज दिया अक्षय, धन्यवाद. ठीक है, राइट. सो टेराफॉर्म अगर आप सीख ले होता, then that will definitely add more weightage to your profile. Okay, that's what. Okay, no worries. और इसके अलावा मैं CLI cover करता हूँ और जैसा नाम templates वो भी हम लोग discuss करेंगे, not in depth जाके real time में कैसे ये सारे चीजें collate करके use करते, उतना नहीं कर पाएंगे at least, but basic idea तो definitely दूंगा. Sure sir, yeah. Okay, so let's stop here unless you have some questions. Good to go. We can catch up tomorrow and we'll continue with the network topology. Anyway, we'll spend another 10 days on the network. So don't worry. We will discuss each and every point related to Azure within the network scope. Okay. Yeah. Chalo. Yeah. Let's stop here. Thanks. Let's.